1933 में जब जापान और चाइना के बीच जंग चल रहा था, जापान नॉर्थ ईस्ट से चाइना पर अटैक कर रहा था, तभी हार्बिन सिटी के लोगों ने अटैक से बचने के लिए सोंगहुआ रिवर पर एक रेलवे ब्रिज बनाने का काम शुरू किया। इसी समय खुदाई के दौरान मजदूर को वहां एक स्कल मिला, जिसे उस समय उस मजदूर ने एक कपड़े में बांधकर एक कुएं में छुपा दिया था। 80 साल बाद जब वह मजदूर अपनी आखिरी सांस ले रहा था, तभी उसने यह बात अपने पोते पोते को बताया, जिसने इस स्कल को दोबारा निकाला और उसे अपने पास एक खजाने की तरह रख लिया। लेकिन 2017 में इस बात का पता चाइना के पेनेंथोलॉजी क्वेंजी को पता चला, जिसके बाद उन्होंने इसे हेबेई जियो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना को सरेंडर करने को कहा। जब साइंटिस्ट ने इस स्कल की कार्बन डेटिंग की तो साइंटिस्ट को पता चला यह स्कल 146,000 साल पुराना है, लेकिन यह स्कल कंप्लीट नहीं था। स्कल का जॉलाइन का हिस्सा मिसिंग था, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एआई की मदद से ह्यूमन एवोल्यूशन के हर एक स्कल को मैच किया, लेकिन यह स्कल किसी भी ह्यूमन एवोल्यूशन के स्पीसीज के स्कल से मैच नहीं हुआ। फिर साइंटिस्ट ने इसका 3D स्कैन को ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री में फिट करने का ट्राई किया, लेकिन यह किसी भी ब्रांच में फिट नहीं हो पाया, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इस नई ह्यूमन स्पीशीज को होमोलोंगी का नाम दिया, जिसे हम ड्रैगन मैन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो करीब 33,00,000 साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आए थे, जो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए थे और यह स्टोन टूल्स का प्रयोग करते थे। अपने ब्रेन का प्रयोग इन टूल्स को बनाने की वजह से इनका ब्रेन साइज चिंपैंजी से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी इनके हाथ चिंपैंजी की तरह लंबे थे और स्पाइन एस शेप की थी, जिस वजह से यह झुककर चलते थे। इसके बाद 18,00,000 साल पहले होमो हैबिलिस आए, जिनका ब्रेन साइज करीब 600 क्यूबिक सेंटीमीटर था और यह धीरे धीरे सीधे चलने लग गए। इसके बाद करीब 13,00,000 साल पहले यह होमो इरेक्टस में इवॉल्व हुए, जो आग जला सकते थे और यह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, जिस वजह से इनका ब्रेन साइज 1250 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद यह ह्यूमन की दो स्पीशीज में इवॉल्व हुए, होमो नियनेंथल और होमो सेपियन, जिसमें से नियनेंथल कुछ समय बाद अपने आप पर एक्सटिंक्ट हो गए। केवल होमो सेपियन ही बचे, जिससे आज के ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व हुए। लेकिन ड्रैगन मैन के स्कल को हम कहाँ फिट कर सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। साइंटिस्ट ने जब इसे स्टडी किया तब साइंटिस्ट को पता चला कि ड्रैगन मैन का स्कल पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री में सबसे बड़ा था और इनका साइज होमो सेपियन के जितना ही था, तो साइंटिस्ट ने इसे होमो सेपियन और नियनेंथल के बीच में प्लेस करने का सोचा। लेकिन ड्रैगन मैन का स्कल की आंखों के रिजेस और टीथ होमो इरेक्टस से मिलते थे, तो हमें इसे होमो इरेक्टस के पास रखना चाहिए। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री हमें बताता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन स्कल का साइज बड़ा होता गया, तो इसी वजह से हम इसे होमो इरेक्टस के पास नहीं रख सकते हैं। तो अभी साइंटिस्ट ने इसे नियनेंथल और होमो सेपियन के बीच में रखा है और साइंटिस्ट का मानना है कि ड्रैगन मैन स्पीशीज बहुत ज़्यादा सिमिलर है होमो सेपियन से। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।